हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल। तो फ्रेंड्स देखो, आज का हमारा वही लास्ट वीडियो ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो में देखो, हमने छोड़ा था टॉपिक हमारा इंटररिलेशनशिप चल रहे थे हमारे सॉइल के अंदर। तो प्रॉपर्टी के बीच में इंटररिलेशनशिप करा चुका हूं मैं लास्ट वीडियो में। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब जाके आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो देखो मैं डिटेल में बता देता हूं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या रिलेशनशिप पढ़ा। तो जनरली हमने पढ़ा था, एक तो एस ई बराबर क्या होता है मेरे पास, डब्ल्यू जी होता है, ये होता है एक, तो ये रिलेशनशिप पढ़ा था, है ना। और एक पढ़ा था गामा डी इक्वल टू क्या होता है, गामा अपॉन वन प्लस डब्ल्यू, ये आया था मेरे पास, है ना। और एक रिलेशनशिप पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था एक, कि जो हमारे पास एन होता है, एन एन क्या होता है, वन अपॉन सॉरी ई माइनस वन माइनस ई होता है, है ना। और ई क्या होता है, ई ई क्या होता है, E यहाँ पर प्लस आएगा ना, और ये क्या होता है, n अपॉन वन माइनस n, ये होता है। ये रिलेशनशिप पढ़े थे हमने पिछले वीडियो में, तो आप एक बार इनको जरूर जाके देख लेगी ये किस तरह से प्रूफ हुए और आपको डायरेक्टली भी याद होने चाहिए। अब देखो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या किस किस के बीच में रिलेशनशिप सिद्ध करेंगे। देखो गामा मतलब यूनिट वेट और बल्क यूनिट वेट, तो इसको क्या बोलते हैं हम, गामा, है ना, या फिर इसको गामा वी से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर डब्ल्यू, एंड उसके बाद वॉइड रेशियो ई, इन चारों के बीच में मुझे रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, ये है ना। ये हो गया क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ होगा, यहां तक क्लियर हुआ तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखो आगे हम इसको करते हैं सिद्ध, तो हम कंटिन्यू करेंगे यहां से। तो देखो सबसे पहले तो आपको सारी बेसिक चीज क्लियर होनी चाहिए सॉइल में, हर एक छोटी छोटी, कि हमारे पास जो ये यूनिट वेट होता है वो क्या होता है, मेरे पास वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है क्लियर, यहां तक ये होता है। तो अब यहां देखोगे आप कि इसमें ये वेट होता है, ये क्या होता है, टोटल वेट। तो टोटल वेट क्या होता है मेरे पास, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड होता है। और इधर ये क्या होता है, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। अच्छा यहां तक क्लियर होगा, है ना। तो अब देखो इनके मान मैं यहां पर रखता हूं, तो यूनिट वेट ऑफ, ये तो यूनिट वेट हो गया है ना गामा, इधर रखा तो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड नीचे, और इधर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना, ये हो गया करेक्ट। अब देखो अब करना क्या है, एक चीज तो आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब देखो फ्रेंड्स आपको जैसे मैं बता रहा हूं ना ऐसे ही करना है, तो आप एक से दो बार करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्या करना है सब कुछ, है ना। तो अब देखो अब मुझे मुझे पता है कि मेरे पास जो होता है ना, इधर देखो अब मैं यहां से कुछ कॉमन लूंगा तो मुझे पता है वाटर कंटेंट क्या होता है मेरा, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, है ना। तो ये कैसे आएगा, अगर मैं देखो ऊपर से यहां से देखो, मुझे ये बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, वेट ऑफ, मैंने क्या ले लिया, वेट ऑफ क्या ले लिया, वेट ऑफ सॉलिड लू कॉमन या फिर वेट ऑफ वाटर लू, आप बताइए, मुझे ये बनाना है, वेट ऑफ सॉलिड लूंगा मैं कॉमन, तो वेट ऑफ सॉलिड लिया। तो इधर देखो वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड, कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, डिवाइड, तो डिवाइड हुआ तो हमने डिवाइड कर दिया, है ना, प्लस इधर वन हो जाएगा ये, है ना, ये तो हो गया ऊपर वाला, ऊपर वाला हो गया। तो अब देखो नीचे वाले में क्या आएगा, देखो पूरे इस तरह से फॉलो करना आपको कंसेप्ट करना। अब नीचे वाले में हम, अब हमें पता है कि वॉइड रेशो क्या होता है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होता है, ये होता है। तो ये बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, नीचे से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कॉमन लिया, कॉमन ले लिया बिल्कुल जी। तो इधर क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वन, ये हो गया बिल्कुल, यहां तक क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है ना। अब देखो अब क्या हुआ, मैं इनकी जगह रख सकता हूं बिल्कुल। अब एक चीज और देखो आप, अब मुझे पता है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होती है, कि वेट ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, डेंसिटी क्या होती है सिंपल, डेंसिटी सॉरी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है मेरे पास, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, सिंपल सा बात है। अगर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड का पूछा जाए तो सॉलिड लग जाएगा, अगर मुझे ड्राई पूछा तो ड्राई आ जाता है, सिंपल सा ये है। ये सारे मैंने बता रखे हैं पिछले वीडियो में, देखो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा छोटा ही हो तो, लेकिन समझ में जरूर आएगा आपको, है ना। तो देखो अब आगे करते हैं हम कंटिन्यू, अब इन सबको हम इसमें पुट करेंगे। देखो डेंसिटी सॉरी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या आएगा मेरे पास, यूनिट वेट ओनली, है ना, यूनिट वेट या बल्क यूनिट वेट है हमारे पास ये। तो ये क्या है, ये तो क्या हो गया सॉलिड वाला, और ये क्या हो गया डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो गया, ये हो गया डेंसिटी ऑफ सॉलिड इधर।
इधर ये क्या हो गया, ये वाटर कंटेंट हो गया प्लस वन हो गया ये, है ना। और इधर अब देखो ये तो गया है ना, और हमारे पास ये बचा, तो ये बॉयड रेशो हो गया, बॉयड रेशो बताया ना अभी हुआ, बॉयड रेशो हो गया, तो ये आ गया, सिंपल सी बात। अब देखो फ्रेंड्स, अब हमें रिलेशनशिप किस किस के अंडर निकालना है। देखो एक तो ये भाई ये खत्म है ना, बॉयड रेशो खत्म एंड वाटर कंटेंट खत्म। अब बचा क्या मेरे पास, ओनली स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, यहाँ पर देखो हमारे पास, हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हम देखो अब यहाँ से किस तरह से लाएंगे, हमें पता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड तो है, तो डेंसिटी के अंदर भी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है, ये होता है। तो यहां से निकालेंगे तो जी गामा डब्ल्यू, ये आ गया जी गामा डब्ल्यू। तो अब इसको यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, बल्क यूनिट वेट, या फिर यूनिट वेट क्या आएगा मेरे पास, जी गामा डब्ल्यू एंड वाटर कंटेंट। अब इसको मैं किस तरह से करूंगा, एज ए फॉर्मूला बनाने के लिए इसको इस तरह से लिखता हूँ, वन प्लस वाटर कंटेंट अपॉन वन प्लस ई, बस सिंपल सा ये है। और ये फॉर्मूला बन गया ना आपका। तो ये फ्रेंड्स देखो बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। क्लियर, आई थिंक क्लियर हुआ होगा यहाँ तक, हर चीज एक छोटी छोटी की चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो अब आगे देखो इस फॉर्मूले में हम आगे इसी से हम बहुत सारे रिलेशनशिप निकालेंगे। तो ये तो हो गया मेरे पास बल्क, इसको बोलते हैं बल्क बोल दो या फिर गामा बोल दो ओनली, ये हो गया मेरे पास, ऐसे ही रहने दो इसको ना। चलो अब आगे देखो, अब आगे क्या होगा, अब देखो अब मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि ऐसी बराबर डब्ल्यू जी होता है, बिल्कुल होता है। तो यहां से मैं डब्ल्यू जी डब्ल्यू का मान लिख सकता हूं ना। तो यहां से देखो अब इस फॉर्मूले को आगे हम क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखो गामा क्या होगा मेरे पास, जी गामा डब्ल्यू, अब डब्ल्यू की जगह क्या लिखा मैंने वन प्लस, तो यहां से देखो डब्ल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा एस ई बाई जी, ये आ गया, आ गए ना। और नीचे वन प्लस ई, यही योगी तो रह गए, यही योगी तो रह गए। अब देखो फ्रेंड्स अब करना क्या है मुझे, डेंसिटी जी गामा डब्ल्यू है ना, और इधर वन प्लस, सॉरी अब हम जी कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो जी इधर तो जी एलसीएम लिया, जी प्लस एस ई बाई जी, सिंपल सी बात है, ये तो एक सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको लिख सकता हूं ना ऐसा, तो बिल्कुल लिख दिया। उसके बाद वन प्लस ई नीचे आ जाए। अब देखो अब इस जी से ये वाला जी कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से क्या निकल के आ गया मेरे पास, तो गामा जी प्लस एस ई डिवाइड बाई वन प्लस ई और डेंसिटी ऑफ वाटर, एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया। तो अब देखो ये फॉर्मूले सारे है ना, आप जब न्यूमेरिकल करोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं ये सारे फॉर्मूले काम आएंगे जो भी मैं निकाल के बता रहा हूँ, सिंपल सी बात ये है ना। अब देखो फ्रेंड्स अब हमारे पास ये कंडीशन होती है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि फुल्ली सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए क्या कंडीशन होती है मेरे पास, जो एस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वन होती है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अब बन होती है, चलो तो अब इस बन को क्या करूंगा, मैं इस बन को अब इसमें रखता हूं इस वाले इक्वेशन में। तो देखो फुली सैचुरेटेड, तो गामा सैचुरेटेड क्या आएगा मेरे पास, यहां से देखो एस की जगह मैंने बन रखा तो इधर बन हो जाएगा यहां पर है ना, तो इधर क्या आएगा सिंपली जी गामा डब्ल्यू एंड, अब देखो यहां से रखेंगे तब भी हमें यह मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो देखो वहीं से रख देते हैं हम, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो वन प्लस ई बाई जी एन अपॉन वन प्लस ई है ना, ये आएगा। अब देखो वो एलसीएम लेंगे तो ये जी कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो यहां से क्या आएगा जी गामा डब्ल्यू एंड जी प्लस ई एंड जी, और नीचे क्या आ जाएगा वन प्लस ई, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से गामा जो सैचुरेटेड आएगा मेरे पास, जो क्या आएगा मेरे पास, तो यहां से आएगा गामा सैचुरेटेड में देखो क्या आएगा मेरे पास। अब देखो हम सिंपल से आ ना, अब हम डायरेक्टली यहां पर रखना चाहिए था हमें एस, तो तब जाके हमारा फॉर्मूला और भी अच्छा बनता, यहां पे रखते हैं हम इसको। देखो अब थोड़ा आपको एक स्टेप ज्यादा नहीं हो इसकी वजह से हम इसको यहां पर ही रखते हैं, इस फॉर्मूले में ही रखते हैं, आपको शॉर्ट पढ़ना है बिल्कुल, शॉर्ट शॉर्ट एंड फ्री है ना। तो देखो इधर, देखो इधर मैंने एस रखा तो जी प्लस ई अपॉन में एस बराबर वन रख दिया इसमें, तो इसकी जगह तो वन आ गया एंड वन प्लस ई
और डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, बस इतना था, बस इतना सा था, बस ये लो, सिंपल सी बात है, बिल्कुल क्लियर। अब हमारे पास एक और कंडीशन आती है, आपने ये भी पढ़ा होगा ये कंडीशन भी, फुल्ली फुल्ली तो क्या, ये लिखेंगे ड्राई सॉइल, फॉर ड्राई सॉइल। तो ड्राई सॉइल के लिए हमारे पास जो एस होता है, तो एस इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, जीरो होता है, ये पता होगा आपको, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, जीरो होता है, बिल्कुल है ना। तो एस बराबर जीरो, अब क्या क्या रखेंगे, वही इसी इक्वेशन में रखेंगे, इसको तो आप इधर हटा दीजिए, इसी इक्वेशन में रखा तो मेरे पास गामा डी आया, वो क्या आया मेरे पास, गामा डी क्या आया, एस बराबर यहां जीरो रखा, तो देखो ये वाली टर्म जीरो हो गई पूरी, तो जी प्लस जीरो एंड वन प्लस ई, एंड इधर क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर ये आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, सिंपल सा इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखो तो गामा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां से आ जाएगा गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू एंड वन प्लस ई, ये फॉर्मूला आपको बनकर आ जाएगा। तो आई होप ये आपको दिख रहा होगा नीचे, है ना, एक मिनट में चेक करता हूं। हाँ बिल्कुल आपको दिख रहा है सब कुछ, है ना, अच्छे से। तो देखो अब ये हो गया आपको गामा डी बराबर जी गामा डब्ल्यू एंड वन प्लस ई, है ना। तो देखो अब आगे, अब इस फॉर्मूले को और भी हम करते हैं मॉडिफाई। अब देखो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जो भी मैं जो स्टार मार्क कर रहा हूं इन फॉर्मूलों को आप डायरेक्टली याद रखना, ये सारे फॉर्मूले आपको काम आने वाले हैं आगे, है ना। तो देखो अब आगे, देखो आगे हमारे पास फ्रेंड्स एक होते हैं पर गामा सम्मर्ज, ये क्या होता है, ये भी मैंने बता रखा है आपको पिछले वीडियो में, आप एक बार उनको जाके देखिए। तो ये होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना, यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये होता है, सिंपल सी बात ये है। तो देखो अब देखो गामा सैचुरेटेड हमारे पास है, तो इसी को क्या बोलते हैं हमारे पास, यही होता है गामा डैश, ये होता है। तो देखो ऐसे क्या होगा फ्रेंड्स, तो गामा सैचुरेटेड ये रहा, तो इसको पूरे वो रखो जी प्लस ई एंड वन प्लस ई, है ना, और इधर डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये इसी को क्या बोलते हैं गामा डैश, जो मैंने बताया ये देखो अभी, तो गामा डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, सिंपल सा है, गामा डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से डेंसिटी ऑफ वाटर कॉमन लीजिए एंड जी प्लस ई एंड वन प्लस ई माइनस वन, ये आ जाएगा। अब यहां से और निकालना चाहोगे तो गामा डैश अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये निकालना, तो यहां से इसको नीचे भेज दिया, तो यहां से एक रिलेशनशिप मिल जाएगा आपको, माइनस वन इसका एलसीएम ले लिया, माइनस का ई अपॉन वन प्लस ई, ई से ई कैंसिल हो गया, तो डेंसिटी ऑफ समर यूनिट वेट एंड डेंसिटी ऑफ वाटर क्या आ जाएगा मेरे पास, जी माइनस वन एंड वन प्लस ई, ये आ जाएगा। अब देखो इसको भी इधर भी मल्टीप्लाई मत करो फ्रेंड, है ना, सिंपल सी बात इधर ही रहने दो, तब जाके आपको अच्छा लगेगा। तो यहां से ये यूनिट वेट ऑफ वाटर इधर चल रहा है ये वाला, है ना, ये इधर ले लिया मैंने, लिख दिया, तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो गामा डैश इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देखो फ्रेंड्स एक फॉर्मूला ये बन के आया हमारे पास, या फिर इसी को क्या लिखूंगा मैं, सबमर्ज, यूनिट वेट ऑफ सबमर्ज, है ना, ये लिख दिया, बेस कुछ नहीं। तो आयो फ्रेंड्स वीडियो समझ में जरूर आया होगा। अब देखो फ्रेंड्स अगर ज्यादा वीडियो बढ़ा ना हो तो मैं एक और रिलेशनशिप बता देता हूँ, आपको ये समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब चलते हैं हमारे अगले रिलेशनशिप की, और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो फ्रेंड्स वीडियो ज्यादा बढ़ी ना हो इसकी वजह से मैंने जो भी फॉर्मूला सिद्ध करना है अगला हमें रिलेशनशिप, उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। तो देखो आज का हमने वीडियो में क्या क्या सिद्ध किया, तो सबसे पहले तो हम देखो क्या सिद्ध किया था मैंने कि डेंसिटी ऑफ वाटर, ये सॉरी यूनिट वेट इक्वल टू क्या किया था हमने प्रूफ, जी गामा डब्लू एंड इधर क्या था, इधर क्या था वन प्लस डब्लू एंड नीचे क्या था वन प्लस ई, ये फॉर्मूला प्रूफ किया था फर्स्ट नंबर पर। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें डब्लू की वैल्यू रखी, तो आगे क्या आया मेरे पास, डेंसिटी यूनिट वेट इक्वल टू जी से जी कैंसिल हो गए, उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर एंड इधर क्या बचा था, जी प्लस एस ई, है ना, यही बचा था, उसके बाद वन प्लस ई, ये आया था एक फॉर्मूला, बिल्कुल करेक्ट बात, है ना, ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद क्या किया था मैंने, उसके बाद इसमें एस इक्वल टू जी बन रखा, तो गामा सैचुरेटेड आया था, तो वो क्या आया था मेरे पास, जी प्लस ई एंड वन प्लस ई, ये आया था
एंड इधर क्या था, डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई हो गया, ये गामा सैचुरेटेड हो गया। उसके बाद हमने एस इक्वल टू क्या रखा था, एस बराबर वन है ना, सैचुरेटेड कंडीशन। अब एस बराबर जीरो पर हमने क्या क्या किया था, गामा डी का फॉर्मूला। तो गामा डी क्या हुआ था मेरे पास, एस बराबर जीरो रखा था तो जी गामा डब्ल्यू एंड वन प्लस ई, ये आया था मेरे पास गामा डी का फॉर्मूला। अब देखो फ्रेंड्स, आपको इस तरह से रिलेट करना है हर एक चीज को कि गामा डी और क्या होता है मेरे पास, डेंसिटी एंड यूनिट वेट प्लस वन अपॉन वाटर कंटेंट, ये भी तो होता है हमारे पास गामा डी। तो गामा डी के एक फॉर्मूला ये रहा, गामा डी के एक फॉर्मूला ये रहा। उसके बाद हमने क्या क्या देखा था कि समर यूनिट वेट, वो क्या देखा था, यहां से क्या आया था कि जी माइनस ई वन प्लस ई, यही आया था। आई होप जो भी आया था वो आपको देख लेना है, आई होप ये समझ में आया होगा किस तरह से हमने देखो कितने फॉर्मूले याद कर लिए। और हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला था वो क्या था, ए सी बराबर डब्ल्यू जी था, ये था फॉर्मूला ना, फर्स्ट फॉर्मूला ए सी बराबर डब्ल्यू जी था। उसके बाद हमने एक और फॉर्मूला सिद्ध किया था, एक ये किया था। उसके बाद हमने किया था एन एन फॉर नेगेटिव, मैंने बताया था नीटा, तो ई वन प्लस ई ये आया था एक फॉर्मूला है ना, पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो की टर्म में रिलेशनशिप। एंड ई बराबर क्या होगा, एन अपॉन वन माइनस एन, ये भी फॉर्मूला हमने प्रूव कर चुके हैं इसको भी। तो आई थिंक ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता चुका हूँ, तो इस तरह से आपको रिवाइज भी कर दिया। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों को अभी तक शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दे। और ये कंटेंट है ना, ये सफिशिएंट है आरपी एग्जाम के लिए, बहुत अच्छा कंटेंट है यहाँ से पढ़ने के लिए आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। तब तक देखते रहिए डीसी मैथ क्लासेज पर सॉइल मैकेनिक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।